नमस्ते बच्चों, आज हम आपको तारे और चंदा की कहानी सुना रहे हैं। सब में बहस होने लगती है कि कौन ज्यादा चमकता है। बहस का परिणाम जानने के लिए आइए सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक रात को तारे चंदा मामा के पास गए और बोले, क्या आप बता सकते हैं कि आप और हम में से कौन अधिक चमकता है? चंदा मामा ने घमंड में कहा, जाहिर सी बात है, मैं ही ज्यादा चमकता हूँ। सितारे मुस्कुराने लगे और बोले, अरे नहीं, तुम नहीं, हम ज्यादा चमकते हैं। चंदा मामा ने कहा, नहीं, मैं ज्यादा चमकता हूँ। सितारों ने कहा, ठीक है, चलो किसी से पूछ लेते हैं। उन्हें एक घर की खिड़की पर कुछ बच्चे दिखाई दिए। उन्होंने तय किया कि उन बच्चों से पूछ लेते हैं। चंदा मामा और तारे खिड़की के पास गए और बच्चों से कहा कि हमें बताओ कि हम दोनों में से कौन ज्यादा चमकता है। बच्चों ने कहा, चंदा मामा ज्यादा चमकते हैं। तभी अचानक एक बड़ा बादल चंदा मामा के सामने आ गया और चंदा मामा की चमक कम हो गई। तो बच्चों ने कहा, तारे ज्यादा चमकते हैं। कुछ ही देर में जब बादल गायब हो गए तो उन्होंने फिर से कहा, चंदा मामा ज्यादा चमकते हैं। तब चंदा मामा और तारे ने कहा, चलो किसी और के पास चलते हैं। ये बच्चे तो कभी कुछ कह रहे हैं और कभी कुछ। चंदा मामा और तारे एक दूसरे घर की खिड़की पर गए और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने उसे यह बताने के लिए कहा कि उन दोनों में से कौन अधिक चमकीला है। बूढ़े ने कहा, मेरे लिए यह बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी साफ और अच्छे से नहीं देख सकता। तो कृपया, मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर चंदा मामा और तारे एक दूसरे घर की खिड़की पर गए, जहां उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाना गा रही है। चंदा मामा और सितारों ने उस औरत से कहा कि बताओ, हमारे बीच कौन अधिक चमकीला है। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरे बच्चे का चेहरा तुम दोनों से ज्यादा चमकीला है। यह सुनकर चंदा मामा और तारे निराश होकर पृथ्वी से पूछने के लिए गए। फिर चंदा मामा और तारे पृथ्वी के पास पहुँचे। चंदा मामा बहुत प्रसन्न हुआ, उसे लगा कि धरती माता उस पर कृपा करेगी। चंदा मामा और तारे के पूछने पर पृथ्वी ने उत्तर दिया, यह सच है कि चंदा मामा रात में चमकता है और इसकी रोशनी फलों, सब्जियों और हरे पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन मेरे बेटे चंद्रमा, अभिमान और घमंड मत करो। बेटा, याद रखो, यह प्रकाश आपका स्वयं का नहीं है, आप इसे सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं। तो उस चमक पर गर्व मत करो जो तुम्हारी नहीं है। पृथ्वी ने तारों से कहा, चमकते हुए छोटे सितारे वास्तव में इतने छोटे नहीं हैं। वे सूर्य के मित्र हैं, क्योंकि सूर्य स्वयं भी एक तारा है। अज्ञानी मत बनो। अगर कुछ तारे एक साथ आते हैं तो उनकी गर्मी और रोशनी हमारे लिए असहनीय होगी। तारों का टिमटिमाना भी रात को सुंदरता प्रदान करता है, इसलिए आपस में मत लड़ो। चंदा मामा और तारे अब सब कुछ समझ चुके थे और उन्होंने संतुष्ट महसूस किया और पृथ्वी को धन्यवाद दिया। कहानी की सीख, हमारी सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है, इसलिए हमें कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।